नमस्ते सर। नमस्ते डेविड, कैसे हो? ठीक हो सर। डेविड, आपका नाम तो एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर है, लेकिन आप साइकिलिंग करते रहते हैं। लोग भी आपको फुटबॉल खेलने की राय देते होंगे। कभी आपको लगा कि प्रोफेशनली भी फुटबॉल खेलना चाहिए या फिर साइकिलिंग ही आपकी पहली चॉइस रही है? मतलब प्रोफेशनल खेलने का मतलब शौक था फुटबॉल में, बट हम लोग का वहाँ पे मतलब फुटबॉल का उतना स्कोप नहीं था निकोबार, इसलिए फुटबॉल का वो बढ़ नहीं पाया उधर पे। अच्छा डेविड, मुझे बताया गया कि आपकी टीम में और एक साथी का नाम भी मशहूर फुटबॉल प्लेयर के नाम पर ही है। फ्री टाइम में आप दोनों फुटबॉल खेलते हैं या नहीं? फुटबॉल नहीं खेलते हैं क्योंकि हम लोग का मतलब ट्रेनिंग में ही फोकस करते हैं हम लोग अपना, ट्रैक साइकिलिंग में बस उसी में हम लोग का मतलब पूरा टाइम उसी अपना ट्रेनिंग में हम लोग चलाते हैं। अच्छा डेविड, आपने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं पर साइकिल से हाथ कभी नहीं छूटा, और इसके लिए बहुत अधिक मोटिवेशन की जरूरत है। ये मोटिवेशन और ये अपने आप को मोटिवेट रखना, ये अपने आप में एक अजूबा है। आप कैसे करते हैं ये? ये मतलब सर मेरा लोग बहुत मोटिवेट करता है मेरे को कि आपको आके जाना है और आके मतलब मेडल जीत के आना है यहाँ पे, और ये हम ये मतलब बहुत ही की बात होगा कि मैं बाहर जाके अपना मेडल ले आएगा और मैं बहुत। अच्छा डेविड, आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। खेलो इंडिया गेम से आपको कैसे मदद मिली? इस जीत ने आपके संकल्प को कितना और मजबूत किया? जी सर, वो मेरा पहला जर्नी था कि मैं अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था दो बार, और मैं बहुत खुशी की बात है कि मैं मन की बात में आपने मेरा बारे में बहुत बोला था और मैं बहुत खुश था उस टाइम कि आपने मन की बात में मेरा मोटिवेट किया, और एक मैं अंडमान निकोबार का एक खिलाड़ी हूँ कि मैं वहां से निकल के यहाँ नेशनल टीम में पहुँचूं, और ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा अंडमान टीम भी बहुत प्राउड फील करता है कि मैं अपने इंडिया टीम में यहाँ इंटरनेशनल टीम में यहाँ करा। देखिए डेविड, आपने अंडमान निकोबार को याद किया और मैं जरूर कहूंगा कि आप देश के सबसे खूबसूरत क्षेत्र से आते हैं। आप एक डेढ़ साल के रहे होंगे जब निकोबार में आई सुनामी ने आपके पिताजी को आपसे छीन लिया था। एक दशक बाद आपने अपनी माताजी को भी खो दिया। मुझे याद है 2018 में मैं कार निकोबार गया था तो मुझे सुनामी मेमोरियल जाने का और जिन्हें हमने खो दिया उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला था। मैं आपके परिवार को प्रणाम करता हूं कि इतनी विषमताओं में भी उन्हें आपको प्रोत्साहित किया। आपके साथ हर देशवासी का आशीर्वाद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।